नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मंगलवार को बैंक का स्थापना दिवस था। कर्मचारी केक काटने की तैयारियां कर चुके थे। इसी दौरान एटीएम मशीन में कैश चोरी होने की वारदात का पता लगा तो सब मायूस हो गए। पुलिस मामले के बारे में बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। आज सभी कर्मचारी बैंक में पहुंचे और रोजाना की तरह काम भी शुरू किया, जिसके बाद चेक मैनेजर ने एटीएम रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जांची तो पता चला कि कल शाम को ही 4:57 पर नकाबपोश युवक एटीएम में आता है और मशीन को चाबी से खोलकर कैश निकालकर बैग में डाला है और फिर ले जाता है। एटीएम मशीन से इस तरह की कैश चोरी की पहली वारदात है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी घटनाएं एटीएम मशीन से कैश चोरी की हुई हैं उनमें या तो चोर मशीन को तोड़कर या उसका हुड तोड़कर निकाल कर ले जाते हैं। कई बार इस तरह का कैश चोरी का प्रयास किया गया है। इसके अलावा एक और घटना है जिसमें चोर लोहारू से तो शाम तक एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए थे, लेकिन मशीन को चाबी से खोलकर ये पहली घटना है जिसमें बड़ी आसानी से कैश चोरी को वारदात को अंजाम दिया गया। इसे स्पष्ट है कि चोरों के पास तकनीक है और वे इसके जानकार भी हैं। इसे भी नहीं निकाला जा सकता कि इसमें किसी बैंक कर्मचारी या अधिकारी की मिली भगत भी हो सकती है। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। कल बैंक मैनेजर ने फोन करके बताया कि भाई हमारे एटीएम से 8,28,000 रुपए चोरी हो गए, लेकिन एटीएम की मशीन से तो कोई छेड़छाड़ है नहीं, फोर्सली कोई इसमें किसी तरह के तोड़ फोड़ भी नहीं की गई है। ये टेक्निकल आदमी ने इसके अंदर से पैसे निकाले हैं, सीक्रेसी लीक आउट हुई है, बैंक से हुई है या मैनेजर से हुई है। पासवर्ड होता है अंदर लॉक का, वो पासवर्ड बैंक मैनेजर के पास होता है, जो कैश डालते हैं उनके पास होता है। और जांच में ये भी सामने आया कि इसके अंदर एक दो बार टेक्निकल प्रॉब्लम होने पे इंजीनियर आए हैं, शायद उनकी नॉलेज में भी ये पासवर्ड है। तो ये टेक्निकल आदमी ने ही इस वारदात को किया है। अभी इसमें जाँच जा रही है, जल्दी इसकी जो है ना वर्कआउट कर देंगे। हैं कैश 8,28,000 रुपये गए हैं, लमसम 2,000 के 500 के नोट ही निकाले गए हैं, बाकी 200 के 100 के नोट नहीं छेड़े इन्होंने। कुछ 1,48,000 वो पेंडिंग भी छोड़ गए इस मशीन के अंदर। सिर्फ 2 ही मिनट में टेक्निकल पॉइंट से पैसे निकाले गए हैं।